नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आपके एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हरियाणा अपडेटेड डेली न्यूज़ में। और वक्त हो चला है रेवाड़ी की रात की बड़ी खबरों का। देखिए, रेवाड़ी में दो दुकानों में चोरी हो गई। सीसीटीवी कैमरे में सारी फुटेज कैद हो चुकी है। रेवाड़ी शहर में बस स्टैंड के समीप चोरों ने दो दुकानों के ताले तोड़ दिए। चोर 75,000 से 80,000 रुपये कैश लेकर के अलावा सामान चोरी कर लिए गए हैं। दुकानों के ताले टूटे देख दुकानदारों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पहुंची पुलिस ने चोरी का केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, रेवाड़ी के गांव खलेटा निवासी प्रवीण कुमार ने शहर के बस स्टैंड के समीप मेडिकल स्टोर खोला हुआ है। बीती रात वह अपने मेडिकल स्टोर को बंद करके घर चले गए थे। सुबह आकर देखा तो ताला तो टूटा हुआ नहीं था, लेकिन बीच में शटर खुला हुआ था जिसमें से कोई भी आदमी आसानी से आ जा सकता है। उसको शकवा तो उसने दुकान का ताला खोलकर देखा तो उसके कैश काउंटर से रुपए गायब हैं। 30,000 रुपये उसके कैश काउंटर से गायब हैं। उसने सीसीटीवी फुटेज में देखा तो साफ नज़र आ रहा है किस प्रकार चोर उनके खाते से उनके कैश काउंटर से रुपए चुरा कर ले गए हैं। जैसे ही प्रवीण की दुकान में चोरी की सूचना आसपास के दुकानदारों को पता चली तो वहाँ भीड़ जमा हो गई। कुछ देर बाद पता चला कि प्रवीण के मेडिकल स्टोर से करीब 100 मीटर दूर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के में भी चोरों ने ताले तोड़ दिए हैं। चोर उसकी दुकान से भी करीब 35,000 रुपये चुरा ले गए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट लेकर जांच शुरू कर दी है। इसलिए आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा कर पाएगी। आज की खबरें यहीं तक। फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते रहिए हमारे चैनल को, देखना भूलें। धन्यवाद।